नमस्कार किसान साथियों, मैं स्वास्तिक पारदी ITC मार्स में आपका स्वागत करता हूँ। तो किसान साथियों, यह जो आप नर्सरी देख पा रहे हैं, यह धान की नर्सरी है जो ठंड के सीजन में ठंड के कारण रुक सी गई है। तो इसके पीछे क्या कारण है और हम ऐसा क्या उपाय करें कि जो इसकी ग्रोथ हो जाए, तो इसके सबसे पहले हम इसके कारण जान लेते हैं। सबसे पहला कारण, जो ठंड के दिनों में सूर्य प्रकाश होता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह नहीं हो पाती, उसके कारण पौधे की ग्रोथ रुक सी जाती है। दूसरा कारण, ठंड के कारण सेल डिवीजन नहीं हो पाता, उसके कारण भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तीसरा कारण यह है कि जो वातावरण में ठंडी के कारण मौजूदा ठंड रहती है वो मिट्टी में भी पाई जाती है, और जो मिट्टी की NPK अपटेक करने की कैपेसिटी रहती है वह कम हो जाती है, इसके कारण पौधे की ग्रोथ रुक सी जाती है। तो यह हुए कारण, हम जान लेते हैं कि इसके उपाय कैसे करें। तो इसका सबसे पहले, इसका उपाय करने के लिए हमें 5 किलो झींग प्लस 3 kg सल्फर और साथ में 8 ग्राम जिब्रेलिक एसिड ले और 20-20-0-13 यह खाद में मिलाकर अच्छे से छिड़काव कर ले, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाएगी। तो किसान साथियों, इस प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से ITC मार्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वह अन्य समस्याओं के लिए हमारा टोल फ्री क्रमांक 1800-1030-545 पर संपर्क करें। धन्यवाद।